बर्मा के अंदर हो रहे कत्ले आम को रोकने के लिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेके जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया। सर आपका नाम? जी फिरोज खान। जी आप युवा हैं और आपने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आए हैं आप? हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं उनके साथ जो गुनाह हो रहा है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को ख़त्म किया जाए। हमारी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार हमारे लिए, हमारी तरफ से ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए कि उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसे ख़त्म किया जाए, किसी भी तरीके से, चाहे प्यार से, गुस्से से, किसी भी तरीके से। हमारे भाइयों को शरण दी जाए हिंदुस्तान के अंदर, जिनको रोका जा रहा है, जैसे और लोगों को शरण दी जाती है, इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हमारे भाइयों को भी शरण दी जाए, ताकि वो लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, उस गुना, उस जो उनके साथ में जुल्म हो रहा है, उस जुल्म से दूर हो सकें वो, यही हम चाहते हैं। फिरोज खान जी, जो आपको भारत सरकार से क्या मांग है, भारत सरकार से आप किस प्रकार की मांग कर रहे हैं? सर हम यही मांग कर रहे हैं, हमारी भारत सरकार, हमारे मुसलमान भाई जितने भी हैं उनको यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो आए हैं उनको नहीं निकाला जाए यहाँ से। लेकिन अभी परसों एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा दिया है। जी सर, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, किसी तरीके से हमारे भाइयों को हिंदुस्तान के अंदर शरण दी जाए, यहाँ पर रहने दिया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे भाइयों के साथ में कोई जुल्म हो, ज़्यादती हो। हमारे बहुत भाइयों के साथ में मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, वो बहुत बुरी तरीके से बड़ी मुसीबत में है। तो अल्लाह के वास्ते हम सभी भाइयों से, हर देश से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे भाइयों को शरण दी जाए, जो जहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कहीं पर भी हमारे भाइयों को शरण दी जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर सकें। इतना ही कहना है मेरा। धन्यवाद सर।